हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शवर। सो भाई लोग, अब सुबह के करेक्ट 8 बज रहे हैं और अब मैं सो के उठा हूँ। और भाई देखते हैं आज का क्या क्या सीन है, आपको सभी दिखाएंगे। अब तो जस्ट सो के मतलब बाहर ही आया हूँ और चाय पिए बस। चलो तो देखते हैं आगे क्या सीन है। भाई लोग, अब बच चुके हैं दोपहर के 1 और आज मतलब कि एक तो भाई लोग आज का कुछ ऐसी ना मतलब कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है मम्मी जी की। तो आज वे वहाँ गई थी डॉक्टर के, मतलब कि सुआ कह रहा हूँ, ग्लूकोज चढ़ी उनके, सुएँ भी लगे ना तो ग्लूकोज चढ़ी और भाई उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो आज मतलब सानी मैं करूँ, पर मैं सांझ की करूँ, मतलब जो रात की हो गया है वो 7-8 बजे वाली वो करूँ। पर आज भाई तबीयत ख़राब है तो मुझे दिन की भी करनी पड़ेगी 1 बजे की। तो भाई मैंने अभी तक दिखाई ना, मैं सानी मतलब कैसे कैसे करूँ थोड़ा सा, वो भी दिखाई देते हैं यार जब सब चीज़ दिखा रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ क्या सीन कैसे करता हूँ मैं, क्या क्या जो भी सीन है और दिखाता हूँ कैसे किसको मतलब। देख लो तुम वीडियो आगे देख लो। चलो तो चलते हैं जल्दी घेर में। चलो तो घेर का रिव्यू तो वैसे मैंने दिखाई दिया घेर तो, पर अब सानी दिखाते हैं। तो भाई लोग अपना आ चुके हैं घेर में। तो भाई सानी से सबसे पहला काम है अपना, तुम्हें बता दूँ सानी कैसा। सबसे पहला काम है जो गोबर पड़ा इसे यहाँ घेरना, पहले इस काम को करते हैं फिर आगे की क्रिया। तो भाई लोग गोबर सफा हटा दिया, अब इस खोर में और वो जो ड्राम है वो वाला और इनके लाग भी रखेंगे। धूप हो रही है, इन्हें अंदर बांधू तो पहले देखो भूस भूस धर के। अब मैं एक काम करूँ, पूरी सारणी कंप्लीट करेगा सब बांध बूंद कर यही बना रहा हूँ यार। तुम भी ये क्या देख रहे हो? चलो भाई देख ही लो। और ये भूसे कुछ पहले इसमें करेंगे फिर उस खोर में, पहले गिरते हैं। चलो जब मिलते हैं नहीं, एक काम करो मैं एक एंगल पर कैमरा सेट कराऊँ, उससे सब दिख जाएगा। तुम अल्ट्रा वाइड करके कैमरा सेट कर दूँ इस जगह, जिससे कि तुम्हें पूरी सारणी का वो मिलता रहे। एक सेकंड, सानी तो करके आ चुके हैं आपने जैसे देख लिया वीडियो में। पर भाई मैं आपसे दो बात करना चाहता हूँ, मतलब बड़ी आज हंसी मजाक से बात करेंगे। तो भाई मतलब कि बात कुछ ऐसे, मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ शॉर्ट में, मतलब जब कभी कामयाब होंगे तो अपना सब बताऊंगा, पर अभी शॉर्ट में बताना चाहता हूँ भाई मैंने व्लॉगिंग क्यों चुनी, क्या मकसद है क्या। तो भाई मतलब कि पढ़ाई में तो मेरा हाथ थोड़ा तंग, बिल्कुल ही ये नहीं है बेकार, थोड़ा सा तंग है मुझे यार। वैसे मतलब कि ऊट पटांग चीज़ ज़्यादा पसंद है और व्लॉगिंग वगैरह ये चीज़ का मेरा पहले से मन किसको देखकर बना वो भी बताऊंगा। तो भाई जैसे कि आप जानते होंगे, ज़्यादातर जानते होंगे भाई, एक तो फ्लाइंग बीस्ट सर को, चलो उनको तो फिर भी इतना मतलब जानते तो होंगे भाई, और भाई सौरभ जोशी व्लॉग्स, भाई सौरभ जोशी व्लॉग्स भाई ये मेरे इंस्पिरेशन है भाई। मतलब कि मैंने सौरभ भाई की वीडियो देख देख के ही व्लॉगिंग का मन बनाया। सौरभ भाई जिस तरीके से भाई मतलब वीडियो घर घर की ज़्यादा भारी, पर उसमें भी भाई जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब हर चीज़। और भाई कुछ लोग बोलते हैं कि पीयूष की, हेलो एक छोटा सा इशू आ गया था बीच में, मतलब कि मेरे फ़ोन में वैसे तो 128 वो है मतलब GB स्पेस है, पर बट यार मैं व्लॉग बनाने लगा हूँ तो यार वो भी भर चुका है, मतलब भर जाता है। वो क्लीन किया है मैंने, एक दो मूवी थी वो डिलीट मारी तो फिर से बना पा रहा हूँ। तो भाई मैं था पीयूष पे,
तो भाई मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि सौरभ जोशी का चैनल पीयूष की वजह से चलता है। मानना है कि यार ऐसा कुछ नहीं है यार। भाई सौरभ जोशी कैसे आए, मतलब पहले आर्ट से आए ना, तो आर्ट यार पीयूष थोड़ी करता था, सौरभ भाई करते थे। तो भाई उन्होंने वहां से अपनी पहचान बनाई, और फिर व्लॉग्स में मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि भाई पीयूष ही कुछ नहीं, पर भाई पीयूष का भी उसमें मतलब व्लॉग्स में थोड़ा सा ये थोड़ी कॉमेडी करता है, तो पीयूष के अलग फैंस है भाई, और सौरभ भाई के तो खैर है ही फैंस, तो पीयूष को भी एक अलग ही वो लेवल का वो है उसका, कि उसके बहुत बच्चे मतलब जो सौरभ भाई का जो व्लॉग है, तो भाई मतलब कि सौरभ भाई का जो चैनल है मतलब उसको अधिकतर तो भाई बच्चे देखते हैं, मतलब कि बच्चे से मतलब हम भी देखते हैं ना, तो पर मतलब एज मतलब उनकी एज का मैं आइडिया बताऊँ ना, तो मतलब कि 10 साल से स्टार्ट हो जाती है उनकी, और मतलब 20 साल तक बच्चे देखते हैं, मतलब 10 साल के बच्चे, और सबसे ज़्यादा यूट्यूब अगर तुम देखो तो ये इसी उम्र के बच्चे चलाते हैं, 10 से 20 साल तक के बच्चे, और भाई बड़े लोग भी देखते होंगे जरूर कुछ, हाँ बड़े फैंस भी हैं उनके। तो भाई पीयूष का भी अपना अलग वो है भाई लेवल, और भाई सौरभ भाई तो खैर पीयूष भाई, सौरभ भाई नहीं होते तो पीयूष कैसे आता, मतलब कि मैं वैसे कहना चाह रहा हूँ, मतलब वो सौरभ भाई ना दिखाते तो मतलब कैसे हो पाता। तो फिर भी जबकि मतलब कि उनका चाचा का लड़का है वो सगा भैया भी, ने तो चाहते तो उनके चाचा के पास छोड़ देते, फिर भी यार तो इस बात को समझो। और भाई मतलब कि मैं एक तो फ्लाइंग बीच सर, और भाई सबसे ज़्यादा सौरभ जोशी व्लॉग्स, भाई सौरभ जोशी का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, मैं सब उनका डेली व्लॉग देखता हूँ 8 बजे। भाई सौरभ भाई, पीयूष, साहिल भाई, उनकी मम्मी जी, उनके पापा जी, और भाई मतलब कि ओरी ओरियो, हाँ ओरियो, तो भाई सबको देखता हूँ मैं, सबको डेली, तो भाई वही मेरी इंस्पिरेशन है, उन्हें देख के मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है, बस यही था भाई। और आगे आगे जो जो होता है आपको दिखाते हैं। तो भाई लोग अब बज रहे हैं रात के करीबन 10:15, और भाई लोग तुम्हें बता दूँ मामा आए हैं दुकान पर से अपना जहाँ जाए, तो भाई ये अरे इसमें जाओ, तो ये मामा चाय पीने के बोल रहे हैं, चाय बनाते हैं अभी। तो भाई लोग जिस बर्तन में चाय देनी है उसे बर्तन को मतलब भी ऐसे थोड़ा सा मलाई से आ रही दूध पे, तो इतना 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 इतना, ओ माय गॉड, ढकना करने लगा, पहले से घेरते हैं, अब चार और गिरेगा, इतने से क्या हो रहा है खन्ना साहब का, ये देखते हैं, देखता हूँ कि काफ़ी है कि नहीं, देख सकते ये तो यार काफ़ी है, बस थोड़ा सा नाम को बिल्कुल नाम को वाटर, 1 सेकंड गाइस 1 सेकंड, तो ऐसे होना बोला बिल्कुल मतलब आधा कप भी मुश्किल ही नाम को, तो पानी तो नाम को मिलाया बिल्कुल ही, नीचे से मैं गैस बंद कर गया था तो गैस ऑन कर देते हैं, गैस इज ऑन, और इसको घुमा देते हैं ये भी ऑन, चाहे यार फालतू तो नहीं बन गए, तो यार मम्मी भी ले लेंगे, मम्मी जी पी लेंगे थोड़ी सी। तो भाई अब इसका अगला काम क्या है, यार मैंने तो तुम्हें दिखा दी चाय की अपनी, फिर भी दिखा जा रहा हूँ, तो फटाफट करते हैं भाई लोग, ये समझो चाय तो मतलब तैयार ही होगी, ये देख सकते हो, तो बस अब चाय पी के अपना सो जाना है, और क्या दिखाऊँ। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस मैंने भी ले ली चाय, क्योंकि भाई थोड़ी सी नींद से आ रही थी, और अब मुझको व्लॉग एडिट वैसे करना है, तो आधा पौन घंटा लगने वाला है भाई, लग जाता है मतलब आधा घंटा तो मिनिमम है। तो भाई इसी के साथ इस व्लॉग को अब एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।